हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड आई एम अमन। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है क्रेटिन। क्रेटिन के बारे में आपने जैसे मार्केट में बहुत कुछ सुना होगा कि नहीं लेना चाहिए, इसके किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो गाइस, आज हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे क्रेटिन के बारे में, जिसमें हम आपको यूजेस बताएंगे, साइड इफेक्ट्स बताएंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आज आपको क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। सबको ये जानने का होगा कि क्रेटिन होता क्या है। तो बेसिकली इट्स अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और 90% क्रेटिन जो है हमारी स्केलेटन्स एंड मसल्स में जाके स्टोर होता है, और डेली लाइफ में हम बेसिक फूड से भी 1 से 2 ग्राम अप्रोक्सली ले सकते हैं, और मिलता है हमें जो कि जैसे टाइप्स ऑफ फूड लाइक बीन्स, किडनी बीन्स, राजमा एंड ऑल। एंड नॉनवेज के लिए हम जैसे कि चिकन, पॉर्क, रेड मीट हो गया, तो इन चीज़ों से हमें क्रेटिन मिल जाता है, बट आप ज़्यादा नहीं ले सकते नेचुरल डाइट से, तो हमें उसके लिए सप्लीमेंट ऐड करना पड़ता है। एंड अब हम आपको बताएंगे इसके टाइप्स कैसे कितने होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रेटिन। फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रेट, एंड सेकेंड वन इज माइक्रोनाइज, एंड इथाइल ईस्टर क्रेटिन, एंड द लास्ट वन इज HCL, क्रेटिन HCL। तो बेसिकली जो मार्केट में दो ही क्रेटिन फेमस है, एक मोनोहाइड्रेट है और एक माइक्रोनाइज्ड है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मोनोहाइड्रेट होता है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, उसमें डिसॉल्व नहीं होता अच्छे से, उसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो जैसे अगर आप पानी में डालते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे स्टोर हो जाते हैं, अब आपको चम्मच से हिलाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा शेक करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। ऐसी चीज़ माइक्रोनाइज में नहीं है, आप माइक्रोनाइज में डालें और इंस्टेंट पी सकते हैं। माइक्रोनाइज जो है वो 10 times 20 times फिल्टराइज्ड है मोनोहाइड्रेट का, इसलिए वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा आपको, और मोनोहाइड्रेट थोड़ा चीप पड़ता है। और ये वैसे बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है आपकी पावर उसको एनहेंस करने के लिए। लेट मी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। वी नीड टू ऐड 10 to 15 grams ऑफ क्रेटिन इन अ नॉर्मल डाइट, एंड इट सेव्स अप टू 20 grams, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक 20 grams फ्रॉम नॉर्मल डाइट, दैट्स व्हाई वी ऐड सप्लीमेंट्स, क्रेटिन सप्लीमेंट। एंड 5 gram क्रेटिन विल एनहेंस योर परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस एंड गाइस, जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चेस्ट पे अपना 40 केजी वेट उठाते हैं 8 reps तक, तो क्रेटिन आपकी हेल्प करता है कि आप 10 टू 12 reps तक निकाल सकें। डोज कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 5 gram क्रेटिन 1 scoop, यानी आप इसको प्री वर्कआउट लें जो कि आपकी स्ट्रेंथ और हैवी वेट उठाने में आपकी हेल्प करेगा। एंड 5 gram आप ऐड कर सकते हैं अपने पोस्ट वर्कआउट में, जिसमें आपकी मसल रिकवरी में सपोर्ट करता है, तो ये आपकी काफ़ी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देगा। ओके, बात करते हैं अब इसके नुकसान के साइड इफेक्ट्स की। तो इसका साइड इफेक्ट भी तभी है जब आप अगर डेली 4 से 5 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट वो भी पड़ता है किडनी पे। जैसे कि आपको पता है कि किडनी जब प्रोसेस करती है, तो अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपकी जो किडनी है उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, 10 times और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर काम ज़्यादा करेगी तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो चीज़ खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप क्रेटिन ले रहे हैं तो 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, और अगर नहीं पी रहे हैं, अगर आपकी हैबिट नहीं है पानी पीने की ज़्यादा, तो प्लीज़ इससे दूर रहें और इसको ना लें, इस क्रेटिन को मत लें। और बात करते हैं हम क्रेटिन ब्रांड की, तो काफ़ी ब्रांड्स हैं इसकी, तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि स्पेसिफिक ब्रांड का लेना है। हमने हेल्थ एक्सपी का लिया है, आप हमने GNC का भी ले रखा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ब्रांड पे जा सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल। प्लीज़ बॉस, शेयर जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि हम लोग थोड़ा और मोटिवेट हों। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लें हमसे। यस, क्रेटिन को लेकर कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। Stay healthy, drink healthy, and eat healthy. Okay, guys.